तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे पास अपनी गाड़ी के अंदर लगाने के लिए ये एक लाइट्स हैं और ये एम्बिएंट लाइट है। और मैं वीडियो जो है गाड़ी के अंदर इसलिए बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो इसमें वो गाड़ी में बैठना पड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप इसकी अनबॉक्सिंग देख लो, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे आप गाड़ी के अंदर कैसे लगा सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए। तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट से आया है और यहाँ पर आप पैकिंग देख सकते हो, बहुत बढ़िया पैकिंग करी है इस बार फ्लिपकार्ट ने, शायद सुन ली मेरी बात इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से टेपिंग कर रखी है। तो आप ज़रा इसे खोलते हैं तो टेपिंग जो है इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, बहुत आसान है, बस इसे काटना ही है यहाँ से। तो ये बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकला है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू कलर का ऑटोमोबाइल एटमॉस्फेयर लाइट, एम्बिएंट लाइट या एटमॉस्फेयर लाइट, कुछ भी आप नाम दे लो इसका। और ये दो मॉडल में आती है, एक तो आती है म्यूज़िक कंट्रोल के साथ और एक आती है नॉर्मल। तो ये जो मैंने मंगाई है ये म्यूज़िक कंट्रोल के साथ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और फ्लिपकार्ट पे इससे बेस्ट लाइट कोई नहीं है और ये मेरे को ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास की पड़ी है। यहाँ पर ये देखो ये दे रखा है और ऑफकोर्स ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और कुछ इस टाइप से इस पर ब्रांडिंग दे रखी है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, यूज़ इम्पोर्टेड LED चिप, हाई लाइटिंग और मतलब बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो मॉडल हैं और LEDs में भी हमारे पास ऑप्शन है कि 9 LED वाली लेनी चाहिए या 12 LED वाली। तो ये आई थिंक 9 LED वाली है, मेरे को श्योर नहीं हूँ मैं इसमें। तो अभी ज़रा इसे ओपन कर लेते हैं और जब हम बॉक्स खोलते तो ये इसके अंदर बॉक्स कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसके रिमोट की, तो यहाँ पर आप रिमोट देख सकते हो, सारे कंट्रोल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, म्यूज़िक कंट्रोल भी। और उसके बाद ये है एक इसका 12 वोल्ट में कनेक्टर, ऑन ऑफ का बटन भी इसके अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर LED लाइट भी दी हुई है। और यहाँ पर आप इसका मॉड्यूल देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर से हम वायरिंग जो है निकल रही है चारों के स्ट्रिप के लिए। और इसके पीछे जो है ये 3M की टेप लगी हुई है जो काफ़ी बढ़िया पकड़ करती है, मतलब हीट प्रूफ 3M की टेप लगी हुई है इस पर जो काफ़ी बढ़िया है, हमें कोई थर्ड पार्टी टेप की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वायरिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी खासी लेंथ है, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर एक हैचबैक कार है तो उसके अंदर ये बहुत आसानी से लग जाएगी बिना किसी इशू के। ये देख सकते हो बहुत लंबी तार है, तार के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी भी मेरे को बहुत बढ़िया लगी वायर की इसकी, मतलब वो कोई नकली वायर या मतलब जो बिल्कुल पतली सी वायर आती है वो वाली नहीं है, क्वालिटी वायरिंग की बहुत बढ़िया है। और ये इसकी प्लास्टिक की और इसकी जो रबड़ की जो क्वालिटी है यकीनन मेरे को बहुत बढ़िया लगी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सेफ्टी फीचर बताने वाला हूँ इसके अंदर, ये जो कनेक्टर आप देख पा रहे हो इसे जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर एक फ्यूज़ दिया हुआ है जो बहुत ही बढ़िया एक सेफ्टी फीचर है जो इसे ख़राब होने से बचाता है। तो दोस्तों ये थी इसकी अनबॉक्सिंग, अब चलो चलते हैं इसे इंस्टॉल करते हैं गाड़ी के अंदर और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ कि इंस्टॉल करने के बाद क्या इसकी गाड़ी के अंदर लुक आ रही है, कितनी इसकी लाइटिंग है और कितनी बढ़िया ये अच्छा वर्क कर रही है। तो चलते हैं इंस्टॉलिंग पे। कर दी, तो आप अनबॉक्सिंग इसकी देख चुके हो ऑलरेडी। तो ये जो है ये हमारा जाएगा इसमें सिगरेट लाइटर में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर लाइट आ गई है, ये बटन है इसका ऑन ऑफ का, तो ये यहाँ पर जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक ही आता है इसका रिमोट, ये रिमोट जो है साइड में रख देते हैं। और जो ये लाइट्स हैं अब इन्हें लगाने का जो मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से जो इसकी वायरिंग है। तो ये जो है ये इसका मास्टर कंट्रोलर है, इसे हमें ऐसी जगह लगाना है जहाँ से ये रिमोट को भी अच्छी तरह से कैप्चर कर ले। तो मैं सोच रहा हूँ इसे यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लगाऊं या फिर इसे कुछ इस तरीके से लगाऊं, तो वो मैं देखूंगा फिलहाल लगा के। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये LED लाइट्स हैं, इसके अंदर दो की वायर छोटी होगी, ये देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी वायर छोटी और ये बड़ी हैं। तो ये दो छोटी वाली वायर्स हैं ये लगेंगी फ्रंट सीट पे, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से लगेगी ये यहाँ पर, ये आप जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और दो जो लगेंगी वो लगेंगी इसकी ये सीट जो है इनके पीछे या नीचे की साइड लगेगी। तो लगाते हैं, फिगर आउट करते हैं कि इन्हें यहाँ पर लगाना कैसे है और वायरिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मतलब फिगर आउट करना होता है कि हमें कंट्रोलर कहाँ लगाना है, और कंट्रोलर लगाने के लिए मेरे को एक ये जगह मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपके पास सेंट्रो है तो यहाँ पर एक बोल्ट होता है उसके यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है और ये कंट्रोलर जो है यहाँ पर बिल्कुल मतलब परफेक्ट फिट हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसे यहाँ पर लगाने के लिए हमारे पास ये डबल साइड टेप है, ये यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये लगाने से पहले हमें इसका जो सरफेस है इसे क्लीन करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे पास ये सरफेस क्लीनर है जो मोबाइल की डिस्प्ले के लिए जो यूज होता है, तो हमें यहाँ पर एक बार स्प्रे करना है
और फिर इसे कपड़े से बिल्कुल साफ करना है अच्छी तरीके से। इसमें इसके पीछे डबल साइड टेप, तो इसका सरफेस भी एक बार क्लीन करना है। ज्यादा स्प्रे नहीं करना है इस पे क्योंकि इसमें चिप होती है, तो फिर कहीं वो दिक्कत ना दे बाद में। तो हल्का सा लगाना कुछ इस टाइप से और बस इसे यहाँ से क्लीन कर देना है। देख सकते हो ये हमने लगा दी है, तो मैं पहले एक्स्ट्रा को कट कर दूंगा और बी केयरफुल कोई तार ना कट जाए ब्लेड से। दोस्तों अब मेरे को यहाँ फिगर आउट करना है कि ये मेरे को कुछ इस टाइप से लगाना है ताकि ये वायर जो इसकी चार ये तार निकल रही है ये नीचे की तरफ रह जाए, या फिर मैं इस तरीके से लगाऊं। तो जहां तक मुझे लगता है मेरे को ये कुछ इस तरीके से लगाना चाहिए ताकि मतलब जो वायर्स हैं ये छुप जाए इधर साइड को, बाहर ना दिखे। तो ये हम टेप निकालते हैं इसमें से, लगाते हैं इसे प्रॉपर एकदम जगह फिट करके। तो यहाँ पर ये लग गया है, ये आप ये देख सकते हो एकदम परफेक्ट फिट हो गया है। तो अब बारी है इन स्ट्रिप्स को लगाने की। तो इन पे डबल साइड टेप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन पे डबल साइड टेप जो है वो ऑलरेडी लगी आई है 3M की, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये वाली जो है वो ये यहाँ जाएगी, तो यहाँ इसे लगाते हैं एक बार। तो सेम प्रोसेस है, पहले इसका सरफेस को क्लीन करना है हमें। इसे अच्छी तरीके से क्लीन करना है ताकि इस पे कोई धूल मिट्टी ना जमे। और अब हमें इसे लगाना है, एक बार सेंटर भी देख लेना है इसका। ये यहां पर लग गई है, आप चेक आउट कर सकते हो। और सेम ऐसा हमें इसकी दूसरी साइड यहां पर भी करना है, तो यहां पर भी लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी लगा दी हमने और इधर साइड भी हमने लगा दी है। तो अब बारी है पिछली सीट्स की, तो वहां पर लगाते हैं एक बार। पीछे की लगाने की, तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होगा वो होगा वायर मैनेजमेंट की। ये पीछे हम लेके कैसे आए कि भाई वायर दिखे भी ना और ये पीछे भी पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप ये सेंटर कंसोल देख सकते हो, इसके नीचे से मैंने यहाँ से निकाली है वायर, ये रही। तो ये वायर हम इसके साइड साइड से निकालेंगे और इसके अंदर ही रखेंगे, मतलब बाहर नहीं आने देंगे वायर को। तो यहाँ से तो मैंने कर चुका हूँ, अब बारी है इधर साइड से। यहाँ तक तो ये आ गई है, ये देखो यहाँ तक तो ये अंदर है, बस अब ये नट हमें खोलना है और उसके बाद फिर हम ये वायर का जो सर्कल है वो यहाँ तक ले आएंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। उसके बाद ये इतना हिल गया है, तो अब जो बारी है अब ये वायर को इसके अंदर लेकर आनी है। और देखो ये आ गया है, नट लगाते हैं। यहाँ पर एक होल्ड सा है तो इसके अंदर से हमें इस वायर को कर देना है दोनों को। ये देखो ये दोनों अंदर हो गई हैं बस, और ये वायर जो है ये ऑटोमेटिक अंदर चली जाएगी। देखो उसके बाद जो हमारा मेन काम होगा वो होगा ये नट वापस लगा देने हैं। तो दोस्तों अब हम इसे लगाने वाले हैं इस साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमें एकदम परफेक्ट सरफेस जो है मिल गया है। पहले हमें इसे क्लीन करना है। इस पे कोई धूल मिट्टी ना हो और फिर हमें इसे यहाँ पर लगाना है। तो ये आप देख सकते हो, और एक बार जो है हमें इस वायर को इसके नीचे से लेकर आना है ताकि मतलब ये वायर जो है एक्स्ट्रा इधर उधर ना फटके। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लग जाएगी, ये देखो। तो इसे लगाते हैं एक बार। दोस्तों यहाँ की ये लग चुकी है, अब बारी है इस साइड की। तो इधर भी हमें सेम ही करना है, पहले हमें ये सरफेस क्लीन करना है ये वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे हमें निकालना है इसके पीछे से, ये कुछ इस टाइप से। और फिर ये लगेगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर, यहाँ पर देखो ऐसे। तो इसे हटाते हैं हम,
वायर एक्स्ट्रा निकल रही है वो इसीलिए है ताकि हम सीट आगे पीछे करें, तो ये मतलब वायर कम ना पड़े हमारे लिए, इस वजह से ये वायर थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही निकली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये हमारा जो इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे चला के। अब अभी तो दिन हो रहा है, शाम के टाइम या रात के टाइम मैं आपको एक वीडियो क्लिप डालूंगा इसमें, इस वीडियो के अंदर ही एंड में जो लास्ट में वीडियो क्लिप डालूंगा तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रात को कैसी लग रही है। और चलो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से इसका लुक आने वाला है। और ये रिमोट है, तो अनबॉक्सिंग में हमने आपको दिखाया ही था कि इसके कंट्रोल्स कैसे हैं, क्या कुछ हिसाब किताब है, तो अब मैं एक बार गाने चला के भी आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लाइट्स जो हैं वो नाइट में कैसी लगती हैं, जो उसका लुक आता है वो नाइट में किस टाइप का आता है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में आ गया हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं ये कि अपना स्टीरियो ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बटन दिखा के दिखाता हूँ, देखो ये फ्लिकर करेगा, आई नो ये फ्लिकर करेगा मगर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये देखो। मैं अभी आपको म्यूज़िक कंट्रोल पर भी दिखाऊँगा कि ये म्यूज़िक पर भी चलती है। अब मेरा साउंड जो है मतलब मेरे बोलने का साउंड कैप्चर कर रहा है इस टाइम ये, एक मिनट तब तक स्टीरियो भी चल जाएगा मैं रिमोट। दोस्तों अब ये चल रही है म्यूजिक पे, ये रिमोट है देखो, ये म्यूजिक के यहाँ पर मोड दिए हुए हैं। अभी देखो ये एक अलग मोड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। कलर भी चेंज हो रहा है इसके, तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसी DIY वीडियोस के लिए, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।